बदलने के लिए गुण हम में हो कि हम सबको क्षमा कर सके, विशेष तौर पर उनको जो हमारा अपमान करते हैं। ये भाव मेरे प्यारे, ध्रुव गए और छोटी मां को जाके प्रणाम किया। बहुत आसान है क्या? आसान इतना है कि जिसने हमारा अपमान किया उसको जाके प्रणाम कर दे, लेकिन वाह धन्य है ध्रुव जी महाराज, मां ने कहा और मां के कहने से जाकर मां को प्रणाम किया, छोटी मां को, सौतेली मां को, स्टेप मदर को। और प्रणाम करके मां ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मां है, चिंता सताने लगी, छोटा है कोई जानवर खा जाए तो? बोले अब इस बात की परवाह नहीं, मां ने आशीर्वाद दे दिया झूठा ही कि इसमें कोई खा जाएगा तो अच्छा है, मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। कह दिया जाओ तुम्हें भगवान मिलेगा। और आज कैसे भी सही, इनके मुंह से सत्य निकल गया, सत्य ही निकल गया और चल पड़े। लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, इसलिए गुरु आवश्यक है। गुरु कैसा हो, जैसा भी हमें बताया, जो वन या तो वन में वास करा दे, प्रभु का दर्श करा दे और प्रभु के धाम में बसा दे, गुरु वैसा हो। वन में वास मिल गया, धाम में वास मिल गया, हरि का दर्शन मिल गया, हरि के गीत गाने का अवसर मिल गया। मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? जो यहाँ आए हैं सब एक ही प्रार्थना करें ठाकुर जी से, जानते हो क्या? लागी छूटे ना। ये जो लगन लग रही है यहाँ, ये कभी छूटे नहीं, ये लगी रहे, गोविंद से ये अटैचमेंट बनी रहे, इतनी बनी रहे कि दुनिया रूठे तो रूठ जाए, दुनिया छूटे तो छूट जाए, लेकिन मोहन से प्रीत न छूटे, प्रीत की रीत न रूठे, मोहन से प्रीत होती रहे बस। हो लागी छूटे ना, हाय हाय, क्या तैयार बैठे हैं एकदम, बैठ जाओ, नहीं गाता जस्ट, देखो एक पंक्ति गुनगुनाओ नहीं किए खड़े हो जाते हैं, नहीं गाना भाई, कथा बहुत है वो। ध्रुव जी महाराज चले गए, लेकिन जब भगवान को मिलना होता है तो सारे साधन बनाते हुए चलते हैं। अभी इस बालक के गुरु नहीं है, ध्रुव के गुरु नहीं है, तो भगवान ने क्या लीला करी? नारद जी महाराज को भेज दिया। नारद जी महाराज मिले, नारद जी महाराज ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने साष्टांग दंडवत की और कहने लगे प्रभु भगवान से मिलने की इच्छा है, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं तुम्हारे कोई गुरु है? बोले गुरु तो नहीं है। बोले तो भगवान नहीं मिलेंगे? तो बोले मेरे गुरु है कौन? बोले आप, मुझे दीक्षा दे दो। पक्का मन से भगवान का भजन? बोले पक्का करें। देखिए भाई गुरु कैसा हो? बोले जो धर्म कराकर भगवान से मिलाने की कोशिश करे। और शिष्य कैसा हो? बोले जो गुरु कह दे उस आज्ञा का पालन करे, उस आज्ञा का पालन करे। आजकल के चेला चतुर हो गए मेरे भाई बहन, क्योंकि हमारे ही कई चेले ऐसे हैं जो पूरे उत्सव में नहीं आए, वो उनको पता था कि गुरुजी को जरूरत होगी इस समय। वो कब आएंगे? 17 तारीख के। क्यों आएंगे? बोले अब क्या तो हो गया गुरुजी, फिर आशीर्वाद देना, फिर करेंगे गुरुजी, अगली बार हमें जरूर याद रखना। अरे पापी मऊए पतो तेरो ना लगेगो या में, जिसका लगना है उसका लग गया है नहीं, और जो बचेगा वो हमारा लगे। तो ठाकुर जी ने हमें सेलेक्ट किया है, आपको सेलेक्ट किया, हम लोग भाग्यशाली हैं। सिर्फ गुरु मंत्र लेके घर में बैठ जाओ और कोई धर्म का काम ही ना करो और भगवान ना मिले तो कह दो गुरु जी अच्छे नहीं मिले। बोलो, बेटी होती है उसको पालते हो, क्या क्या नहीं करते? बेटा होता है उसके लिए क्या क्या नहीं करते? दुनिया के हर रिश्ते के लिए आप क्या क्या नहीं करते, लेकिन भगवान के रिश्ते के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, भगवान से मिलना है।
तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर निकल जाओ। और अगर विश्वास है तो कौन कहता है कलयुग में भगवान नहीं मिलता, मैं गारंटी से कहता हूं अभी भी भगवान मिलेगा, मिलना पड़ेगा उसे, लेकिन पाखंडियों को नहीं मिलेगा, दिखाने वालों को नहीं मिलेगा, सिर्फ आगे आगे वालों को नहीं मिलेगा। जो दिल से धर्म करते हैं, जो दिल से गुरु को फॉलो करते हैं, उनको गोविंद जरूर मिलेगा। अब यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुनना जरा ध्यान से। एक संत जी थे, उनके तमाम शिष्य थे बहुत, सब लोग पहले संत लोग ही विद्या अध्ययन कराते थे, तो सब संत लोग उनके शिष्य उनके पास जाते पढ़ते, लेकिन उनका एक भक्त था, एक चेला था, उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका नाम था रामदास। कोई मतलब नहीं था उसे किसी से, उसे सिर्फ एक ही मतलब था, एन कैन प्रकारेण गुरु की सेवा हो, बस जो गुरु जी कह दे वही करना है, ऐसा भाव उसका था। अब सब लोग उसे पागल पागल कहते थे, पागल है, बहुत पागल है, बताओ यहां पढ़ने आया है, पढ़ाई पे तो ध्यान देता नहीं है, सिर्फ गुरु जी करता रहता है। अरे पढ़ने आया है, पढ़ो, ध्यान से सुनना सभी लोग, भाई पढ़ने आयो पढ़ो, लेकिन वो सेवा में रत रहता है, सेवा में लीन रहता है। अब गुरु जी तक ये बात पहुंच गई कि सब लोग इसे पागल कहते हैं, तो एक दिन गुरु जी ने सभी शिष्यों को कहा, चलो भाई जंगल में वन में चलते हैं, वहां कुछ काम है। और रामदास से कहा, रामदास एक कुल्हाड़ी लेके चलना, जरा एक कुल्हाड़ी लेके चलना, यज्ञ के लिए समदा ले आएंगे। बोले जी गुरु जी। अब गए, गुरु जी ने देखा एक कुआं है, बहुत बढ़िया कुआं, वो कुएं के ऊपर एक पेड़ की डाली आ रही है। तो रामदास जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, बेटा रामदास तू इस पेड़ की डाली पे चला जा, और जो कुएं के ऊपर आ रही है उस डाली को काट, और तुझे उस तरफ बैठना है जो डाली कट के कुएं में गिरे, गिरने वाली साइड में तुझे बैठना है। बोले जी गुरु जी। कुल्हाड़ी ली और चढ़ गया। अब बाकी के शिष्य बोले, अरे गुरु जी मरवाने के प्लानिंग है, कुएं कितना गहरा है, देख रहे हो मर जाएगा ये, आप इसे मरवाना चाहते हो। रामदास को कहा, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। रामदास किसकी सुने, चढ़ गया। सब लोगों ने कहा कि गुरु जी तो आप गलत कर रहे हो, ये तो गुरु जी बहुत गलत बात है आपकी। गुरु जी ने कहा, तुम ये जानते हो गलत क्या है सही क्या है, तभी तो तुमसे नहीं कहा, उसे पता ही नहीं गलत क्या है सही क्या है, इसीलिए उसे कह दिया, तो उसे करने दो। चढ़ गए, डाली काटने लगे, उधर ही बैठे हैं जो डाली कुएं में गिरेगी, डाली कटी धड़ाम से, डाली भी कुएं में और रामदास भी कुएं में। सब लोग कहने लगे, मरवा दिया बेचारे को, क्या जवाब दोगे उसके माँ बाप को, गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, ये कौन डिसाइड करेगा कि वो मर गया, तुम कैसे जहां कह सकते हो कि वो मर गया, अभी पहचान तो करो मरा है कि नहीं। आवाज लगाई, रामदास, कुएं में से आवाज आई, जी गुरुजी। क्या हुआ, आवाज आई जो अब तक नहीं हुआ, क्या हो रहा है, बोले दीदार हो रहा है, मेरे सामने मेरा आराध्य खड़ा है, युगल जोड़ी खड़ी है और मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। गुरु जी आपने मुझे इसलिए भेजा था, मुझे पता चल गया गुरु जी, आनंद आ गया गुरु जी, मैं किसी को सचेत और अचेत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कंठी ले जाना आसान बात है, शिष्य बन जाना आसान बात है, लेकिन उस पथ पर चलकर भगवान को पाना थोड़ा कठिन है, उसमें तुम्हारा धन भी लग सकता है, उसमें तुम्हारा टाइम भी लग सकता है, उसमें तुम्हारा तन भी लग सकता है, और जो सब कुछ लगाने के लिए, दांव पर लगाने के लिए तैयार हो और उसे भगवान न मिले, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा मेरे प्यारे, कभी नहीं कहूंगा। आज ध्रुव को भगवान मिलने के लिए तैयार हैं, क्यों, देवऋषि नारद के वचनों पर ध्रुव को विश्वास है,
मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए 2 मिनट ये मंत्र जपेंगे सभी, इसके बाद कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी शांत न रहे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है यहां पर, आपको पता भी नहीं है कि कितने मंत्र आपके जमा हो जाएंगे आज। तो बड़ी संख्या में आप लोग सब नाम जपें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और एक बार जोर से बोलेंगे।
तो मेरे प्यारे, ध्रुव जी महाराज 5.5 साल के हैं, मात्र 6 महीने तक ये भजन किया। ये बात कर रहा हूं मैं सतयुग की। जिस युग में भगवान से मिलना कितना मुश्किल है ये आपको पता है, कितना मुश्किल है। और उस कठिन युग में मात्र 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया, मात्र 6 महीने, छोटी सी उम्र में स्वयं नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट होते हैं और ध्रुव दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनकी सुंदर छवि को, बहुत प्यारी मनोहारी छवि को निरखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है, होठ फड़फड़ा रहा है। मेरे प्रभु समझ गए। तब मेरे प्रभु ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जब शंख लगा दिया कपोल से तो उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हुई। तब उनसे, उनके मुख से निकल पड़ा, योन्तः प्रवेश मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत खल शक्ति धर सुधाम्ना। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने ही मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत किया है। मैं तो कुछ भी नहीं था मेरे प्रभु, आप ही ने मुझे ये भक्ति, ये सब प्रदान किया। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्र ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी vssct।